चौहान एंड वेलकम टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। सो सुबह के बज रहे 12:15, मैं रेडी हो गई हूँ एंड संडे को हम लेट ओपन करते हैं कैफे। और गुनू आज शॉपिंग पे जा रही है, उसका बर्थडे आने वाला है, सो वो लेट आएगी। जितने बजे भी आए कोई टेंशन नहीं है। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अपने बॉटल फ्रूट्स अपने साथ कैरी कर लिया है। सो मैं चाहती हूँ कैफे आपको मिलते हैं कैफे में, और बाहर बहुत तेज धूप है तो आज मैंने ड्रेस पहनी है। मैंने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए, और कंफर्टेबल भी ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल होते रादर देन जीन्स एंड पजामाज। सो यह चलते हैं कैफे। सफाई हो गई है, डन, बिल्कुल चमक रहा है। पोछा भी मैंने लगा दिया है यहाँ से भी, और आज मार्केट है खाली खाली बिकॉज संडे के कारण। मैंने भी मंगवाया है जूस, वैसे फ्रूट्स भी मैं लेके आई, बट मन नहीं कर रहा इनको खाने का, तो पहले जूस पी लेती हूँ उसके बाद फ्रूट्स खाती हूँ। इनके बढ़ने वाले हैं 3:30 आई गेस ना। तो हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं इसके लिए। ये गई थी शॉपिंग करने 22 में, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। हाय, ये तो इसके कोई और क्लॉथ में कोई और कलर है। इतनी एक्साइटेड खाई को अपनी बॉडी को लेकर, सीरियसली वेरी एक्साइटेड। हाँ, ये वेदर कितना प्रिटी लग रहा है, देखना क्लाउड्स सो प्रिटी। और देखना है हम यहाँ पे ट्रेंड्स में देखते हैं उसके लिए कुछ कपड़े, और मैं भी इसको कुछ दिलवा देती हूँ बॉडी के लिए, प्रिंटर्स का कुछ दिलवा देती हूँ, सेट शर्ट एंड ऑल, क्योंकि वही काम आने वाली है। इतना रश है आज मार्केट में, आई गेस बोल रही हूँ, क्या ही बताओ। विश्वास से कुछ सामान भी ले लेते हैं कैफे के लिए, दालें वगैरह। रश रश देख लो, रश रश। शॉपिंग हमने कुछ करी नहीं, कुछ भी पसंद नहीं आया गुन्नू को और मुझे भी कुछ पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा कुछ कुलचे खा लेते काफ़ी टाइम के बाद। ये वाले भैया जो कुलचे बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो अभी हम क्यू में खड़े हैं।
और आज संडे के दिन इतना रश है ना मार्केट में। शाम के बज रहे हैं 5, मैं आ गई हूँ घर बिकॉज मैंने सुबह ऐसी ड्रेस पहन ली थी तो अब ठंड होने वाली, तो मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। एंड आज ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने परसों से पनीर लेके आई और कैप्सिकम लेके आई, तो मैं बना लेती हूँ, खुद भी खा लूँगी और गुन्नू के लिए भी लेके जाऊँगी कैफे। एंड और अब ठंड होने वाली है सो मैं फटाफट से भी खाना बना लेती हूँ और आटा भी गूंदना है, चपाती बनाते। अनियन और हरी मिर्च मैंने कट कर दिए, कैप्सिकम भी कट कर दी है, ये पनीर बाद में कट करूँगी। यहाँ पे मैंने रखते हैं ऑयल और मैं बनाती हूँ। कैप्सिकम मैंने डाल दिया है, अब इसको पकने दूंगी थोड़ी देर, और पनीर मैंने यहाँ पे कट करके रख दिया, इसको एंड में डालूंगी। पनीर रेडी होने वाला है, अब मैं बनाऊंगी रोटी और शाम के बजने वाले हैं 6, अब लंच क्या ही करूँगी, अब रात को डिनर ही करूँगी, मैं बना के रख लेती हूँ, कैफे ले जाऊँगी साथ में। रोटी मेरी बन गई है, मैंने पैक भी कर ली है, अब मैं करती हूँ पनीर पैक, फिर ले जाऊँगी कैफे। शाम के बजने लगे हैं 6:30, मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे बालों में इतना ज़्यादा ऑयल हो रखा था ना, तो मेरा वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि कल आज शाम को मैं ऑयलिंग कर लूँगी, तो कल वॉश करवा लूँगी। और इसलिए मैंने तो चोटी कर ली है, अब मैं जा रही हूँ कैफे, आपको मिलती हूँ कैफे में ही। बड़ा दिन बाद खाई रोटी, ऐसा लग रहा है। मैं दाल राइस वगैरह बनाती रहती हूँ, बट पनीर रोटी मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद बनाई। कितने दिन बाद खा रहे रोटी यार, सब्जी के साथ? बहुत भैया बहुत ऑयल डालते हैं सब्जी में, मुझसे खाए नहीं जाते। कल कुन्नू लाएगी ब्लैक चने और राइस, इसके हाथ के ब्लैक चने मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इसके हाथ का मेरे को ये सब्जी और भरवे करेले बना नहीं रही है, बता बोलो गाइस कमेंट में कि बना दो। और क्या मिलते करेले? ओके। रात के बज रहे हैं 12:15, मैं और गुन्नू आज टाइम से फ्री हो गए हैं, आज हमने कैफे टाइम से क्लोज कर लिया है, और क्योंकि मैं और गुन्नू थक भी गए थे और हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो हमने सोचा कि आज टाइम से सो जाते हैं और फिर अच्छे से रेस्ट कर लेंगे।